सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। सो दोस्तों, मेरे एक भाई ने इंडिया से कमेंट करके पूछा मेरी वीडियो में कि भाई, मैं कुवैत गया था और किसी कारणवश मुझे कंपनी पसंद नहीं आई और मेरे 2 साल का वीज़ा था और मैं बिना कैंसिल किए छुट्टी आया वापस, मैं कुवैत गया ही नहीं, तो क्या मैं फिर से कुवैत आ सकता हूँ? क्या मुझे फिर से कुवैत वीज़ा दे सकता है, और देगा तो कितने दिन बाद दे सकता है? तो मेरे भाई, आपके सवाल का जवाब है, ये वीडियो ध्यान से देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो मेरे भाई, अगर आप कंपनी में थे और कंपनी से आप छुट्टी गए वापस कुवैत, तो मेरे भाई अगर आप कुवैत से इंडिया चले गए छुट्टी और वापस उस कंपनी में आए ही नहीं, तो क्या आप कितना दिन में कुवैत आ सकते हैं, ये पूछ रहे थे। तो मेरे भाई, पहले का जो नियम था वो 6 महीना था कि 6 महीने में ऑटोमेटिक वीज़ा कैंसिल हो जाता था। अभी वो 6 महीना घटा करके 4 महीना कर दिया गया है। अगर आप छुट्टी गए, 4 महीना में नहीं आए, कुवैत में एंट्री नहीं किए, तो आपका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। कितने मेरे भाई ऐसे हैं जो गए हैं, उनके वीज़े का डेट 1 साल बचा हुआ है, वापस नहीं आए और उनके 1 साल के ऊपर हो गया, फिर भी वो कुवैत का इंटरव्यू देते ही नहीं, कुवैत का जॉब तलाशते ही नहीं, क्योंकि उनके दिल में ये है कि 5 साल का मेरा बैन लग गया है, 5 साल बाद ही मैं कुवैत जा सकता हूँ, उसके पहले मैं अगर इंटरव्यू भी दूंगा तो मेरा वीज़ा ही नहीं आएगा। तो मेरे भाई, ये बहम पाल के अपने दिल में मत रखिए। अगर आपको 4 महीना हो गया है कुवैत से जा करके, तो आप फिर से दोबारा इंटरव्यू मार सकते हैं और दोबारा आपको वीज़ा नया इशू करा के कंपनी दे सकती है और आप कुवैत आ सकते हैं। सो दोस्तों, ऐसे बहम में न पड़ें। अगर आप इंडिया में हैं या किसी भी कंट्री में हैं, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अगर आपको जाके 4 महीना हो गया, आप उस कंपनी में नहीं आए, तो ये कंपनी की बात है, कफ़ील की बात नहीं है। कफ़ील तो जाके बैन भी लगा सकता है 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। लेकिन कंपनी इतना छोटे छोटे बात के पीछे नहीं भागता है। अगर आपका कंपनी रिपोर्टेटेड है, उसका रिपोर्टेशन अच्छा है, तो इन सब चीज़ों का वो ख्याल ही नहीं करता। अगर आप नहीं आए तो नहीं आए, आपका वीज़ा ऑटोमेटिक 4 महीने में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो वीज़ा अगर कैंसिल होगा तब भी वो वीज़ा के ऊपर कंपनी को दूसरा वीज़ा मिलेगा, वरना अगर वो वीज़ा कैंसिल नहीं होगा तो उन कंपनी से जिस गए हैं उस कंपनी को दोबारा वीज़ा मिलेगा ही नहीं, तो आपका वीज़ा रख के वो क्या करेगी। इसलिए गवर्नमेंट ने ये नियम लगा दिया, अगर आपका कोई भी बंदा कुवैत से इंडिया गया, अगर 4 महीने में वापस नहीं आया, तो उसका वीज़ा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। आपको कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप फिर से दोबारा इंटरव्यू देते हैं, अगर कोई भी कंपनी आपको वीज़ा इशू करा के दे रही है, तो आप खुशी खुशी कुवैत आ सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए आए हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा कोई भी भाई अगर इस मैसेज से अनजान है तो वो भी जान ले और दोबारा कुवैत के लिए अप्लाई कर सके। सो दोस्तों, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त,